देश भर में 72वें गणतंत्र दिवस को जहां धूमधाम से मनाया गया, वहीं नोएडा के सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स में भी गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह भारत पर्व मनाया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ एंड एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर मुख्य अभिभावक सहारा श्री श्री सुब्रत रॉय सहारा जी का संदेश भी पढ़कर सुनाया। बता दें कि सहारा इंडिया परिवार इस दिन को भारत पर्व के रूप में हमेशा से मनाता रहा है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपको गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ और अपने भारत पर्व की हार्दिक बधाई। आप जानते हैं कि पिछला वर्ष पूरी दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि हमारे गणतंत्र के इतिहास का भी काला दिन रहा है। हमारे देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना महामारी की चपेट में आए और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इस महामारी ने निगल लिया। यह अभूतपूर्व मानवीय संकट था। मैं समस्त कोरोना वॉरियर्स को नमन करता हूं, जिन्होंने अग्रिम मोर्चे पर रहकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। और जो लोग इस बीमारी की चपेट में आकर अपना जीवन गंवा बैठे, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोरोना के इस डरावने माहौल में हमने भी एक देशभक्त और जिम्मेदार संस्था के तौर पर काम किया। हम स्वयं भी जागरूक रहे और लोगों को भी जागरूक करते रहे। हमने स्वयं सावधानियां बरती तो साथ ही हमने अन्य सभी को भी सावधानियां बरतने के लिए प्रेरित किया। स्वयं मैंने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को एक अभियान के तौर पर लिया और मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक ऐसे प्रयास किए जिससे लोग सावधान रहें।